28 नवंबर की रात दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद पिकअप वैन का चालक और खलासी घटनास्थल से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुटी और लोगों ने पिकअप वैन में लदे जब सामान को देखा तो दंग रह गए। इसकी सूचना शिकारीपाड़ा थाना को दी गई और थाना की पुलिस जब वहां पहुंची तो पिकअप वैन में विस्फोटकों का जखीरा लदा था और ऊपर से नारियल रखा हुआ था। सूचना मिलते ही देर रात SDPO नूर मुस्तफ़ा भी घटनास्थल पर पहुंचे और तमाम विस्फोटक और पिकअप वैन को जब्त कर थाना लेकर चली गई। आज दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना मिली थी कि कहीं से विस्फोटक पदार्थ एक गाड़ी आ रही है, उसी के क्रम में हम लोग चेकिंग लगवाए थे और उसी में एक पिकअप वैन आ रहा था जिसमें एक्सप्लोसिव भरा हुआ है जो अनियंत्रित होकर के टायर फट गया है और वो गाड़ी जो है कि पलट गई है और इसी को हम लोग किरान से उठवा रहे हैं और सामान जो भी उसमें पदार्थ हो गया उसको हम लोग जब्त कर लिए हैं और जांच कर रहे हैं वैध है कि अवैध है और कहां से आया है, कौन रिसीवर है, हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे हैं और आगे जो भी होगा उसको आप लोग को स्पष्ट कर दिया जाएगा। यह महज एक संजोग नहीं कह सकते हैं क्योंकि दुमका जिला उग्रवाद प्रभावित है और वर्ष 2021 में ही अगर देखें तो मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध विस्फोटक का परिवहन करते हुए दो बार वाहन को जब्त किया था। वाहन जब्त होने के बाद चालक और खलासी को भी गिरफ्तार किया गया और प्रेस वार्ता भी हुई, लेकिन प्रेस वार्ता के समय चालक और खलासी को तो प्रोड्यूस किया जाता है लेकिन माफिया के बाबत पूछे जाने पर उसे अनुसंधान का विषय बता दिया जाता है। सवाल उठता है कि अनुसंधान कितने दिनों में पूरा होगी। घटना के बाद कभी भी पुलिस उन कांडों का उद्भेदन नहीं कर पाती है कि आखिर किसके इशारे पर अवैध विस्फोटक का परिवहन दुमका जिला से बेधड़ल्ले से हो रहा है। एक बार फिर कल की घटना ने यह साबित कर दिया है कि अवैध विस्फोटकों के परिवहन के लिए दुमका जिला काफ़ी सेफ जोन बन गया है। वो तो महज संजोग कहें कि पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी और पुलिस तक यह विस्फोटक पहुंचा। अगर पिकअप वैन पलटती नहीं तो शायद यह जहां जाना था वहां पहुंच गया होता। वैसे भी हम आपको बता दें कि दुमका जिला उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है और यहां काफ़ी संख्या में पत्थर खदान भी है, तो इन विस्फोटकों का उपयोग आखिर नक्सलियों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है या खदान संचालकों के लिए? खदान संचालक जो वैध हैं उसके लिए सरकार के द्वारा लाइसेंसी विक्रेता भी रखा गया है, लेकिन जिले में कई ऐसे खदान हैं जिनका अवैध तरीके से संचालन हो रहा है और उन अवैध खदानों में ही इस अवैध विस्फोटकों का उपयोग होता है। तो यह सभी को ही जानते हैं कि यहाँ विस्फोटक की काफ़ी खपत है, इसके बावजूद ज़रूरत है इस तरह अवैध विस्फोटक के परिवहन पर रोक लगाने की और देखना दिलचस्प होगा कि इस पर दुमका पुलिस कब तक पूरी तरह अंकुश लगा पाती है। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।